ऐसे तो हमारा मुकाबला किसी के साथ में भी नहीं है, अगर है भी तो किसी के साथ में, वो है यूएस के साथ में, चाइना के साथ में। ओह यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट। जिनके साथ हम आज की डेट में कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश निरंतर जारी है। क्या बात है, ये बात तो थी हमारी, लेकिन एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। उन पाकिस्तानियों के दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज होती है, भारत भारत भारत। हर चीज से भारत से कंपेयर करते हैं हर मसले के अंदर। मतलब आप ये समझ लीजिए, जब तक ये भारत का नाम नहीं लेते एवरी पाकिस्तानी, जब तक इनको खाना हजम नहीं होता है। ऐसे में हमारे पाकिस्तान के पत्रकार है वो निकले है, इंडिया वालों ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, ठीक है, और अग्नि 4 के नाम से, और उनका ये मतलब कहना है कि जाहिरी बात उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया है। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर है शोएब चौधरी जी, ये पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लेते रहते हैं, खासतौर से भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे, अच्छे बुरे जो भी मुद्दे होते हैं, ठीक है। और एक नायाब जाहिल मैं आप लोगों के लिए पकड़ के लाया हूँ, और ऐसे जाहिल ही हमारे मनोरंजन के काम आते हैं, तो फिर देरी किस बात की भैया, चलते पाकिस्तान। अग्नि 4 के नाम से, और उनका ये मतलब कहना है कि जाहिरी बात उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है, और हम तो हमारे द्वारकाधीश की कृपा से हिंदुस्तानी है और सनातनी है। इंडिया जितना भी असलहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है, हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। क्या कहा? इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। बस बस बस, इनके पास में यही जज्बा है, अपनी छाती पे बम लगाएंगे, जाके लोगों में फट जाएंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, और इंडिया जितने भी मिसाइल, जितने असलहा बनाए, इंशाल्लाह हम भी बनाते हैं, हमारा फौज पे हमारे फहर है, हमारा फौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, जाहरी बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे, अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है, चल झूठा, और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया, हम इसके हमारा अंदर जो है ना जिहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। भारत ने रात पे हम पे हमला किया, हम में जिहाद का जज्बा है, हम मुसलमान हैं। वाह 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 वाह, ताली बजाओ इस मदरसा छाप के लिए। मतलब बंदे ने इतनी उम्र ले ली है, लेकिन फिर भी बातें सुनो, ऐसी बातें तो मेरे को लगता है तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ना करे, शायद इससे कहीं ज्यादा अच्छी बातें और समझदारी वाली बातें कर। मतलब ये मुसलमान है, इसमें जिहाद का जज्बा है, तो ये भैया दुनिया में सबसे ऊपर हो गया ही है। और वैसे भी आसमानी किताब के अंदर तो गैर मुस्लिमों को तो कीड़े मकोड़े और वो पता नहीं क्या क्या कहा गया, उनको तो इंसान कभी समझते ही नहीं है। तो इन लोगों की गलती नहीं है, इनकी जो जहनी शिक्षा है वो ही इसी प्रकार से बचपन से तराशी जाती है कि ये जब तक मर नहीं जाते ना, तब तक एक ही लाइन पे अड़े रहते हैं, मानने को तैयार नहीं है, दुनिया गोल है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है, जमीन घूमती नहीं है। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट, जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है, चपटी है तो चपटी है, बस बात खत्म। इन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? वो तो ऐसे है कि हमने जो ना सरेंडर नहीं होता है, सरेंडर होता है, वो मदरसे छापो। क्या हम जब उसके वो टैंक है जब आगे है, तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए, हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया। वो ये चचा तो जंग की बातें इतनी डिटेल से ऐसे बता रहा जैसे इसको टैंक के आगे इसी को बांधा हुआ था और ये दूरबीन लगा के सब देख रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। मेरे ख्याल से जब ये जंग हुई थी उस जमाने में तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा, अगर हो भी गया हुआ ना तो मैं कहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा वाली चड्डी इसने पहननी भी नहीं आती होगी।
के टैंकों इंडिया को और पसपा कर दिया और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज हमारे जवान पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी की कुर्सी पे आके बैठ के चाय पी के गए हैं ये। आप क्या बात कर रहे हो भैया, आप इंडियंस, आपको हिस्ट्री नहीं पता, आपको इतिहास ही नहीं पता। इन मदरसे छापों के ज्ञान सुनिए आप, आपकी बुद्धि बौखला ना जाए तो सारे पैसे वापस। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, दो दफ़ा लाहौर तक आए हैं, ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें यही बताता है कि वो दो दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर में हमारी बेगम से निगाह करने आए थे, हलाल आकर के चले गए। तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है ए चाचा फिर दिल्ली पहुंच गया भाई, दिल्ली में क्या छोड़ के आ गया है अपना, क्या भूल गया है भाई, कुछ रह गया हो तो बता दे, हम तेरे पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। बार बार दिल्ली पहुँच रहा है, अबे एक बार तो पहुँचो, ये तो दूसरी बार पहुँच गया भाई मेरा। फिर सरेंडर क्यों किया सर, मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया, उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दिए। वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुँच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे। ये मेरा भाई फिर दिल्ली पहुँच गया, भाई साहब दिल्ली बचा के रखना, आज आपकी दिल्ली गई, आज बस आपकी दिल्ली गई। तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की, अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल वो जो है ना ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे वो आ जाते तो वो जो ना यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था, तो हमारा सुलह जो उधर होता था तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक ज़बरदस्त और जो है ना मोहब्बे वतन जर्नेल था, उसने जो है ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का काम है, ये छोरों जैसा जो है ना हमला करने वाला, ये शास्त्री को कह दिया, वो उस टाइम जो है ना हार्ट अटैक और मर गया। जो पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था वो 1971 में किया था, तो ये चचा का जो मदरसा ज्ञान है तो वो तो यहीं से ही जाहिर हो जाता कि चचा को ना तो हिस्ट्री का पता है, ना कूटनीति का पता है, ना राजनीति का पता है, इनको सिर्फ एक चीज पता है कि हमें जिहादी और हमको बम लगा के फटना है, मरना है हमको, बेहतर हुरे चाहिए भैया, बेहतर हुरे। अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है। जिंदा रहेंगे तो घोड़े बकरी गधे सब चाहिए इनको, और फिर मरने के बाद भी बेहतर हुरे चाहिए, तो वो जिहाद पे ही मिलती है भैया, ऐसे नहीं मिलती, ये स्कीम सिर्फ जिहादियों के लिए लागू है। तो ये जो है ना उसका इतना जो है ना वो प्रेशर था, और ये हम पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है, और जितना भी ये असलहा बनाए हम बगैर असलहे से इंशाल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लास्ट में ये बता दें, आप ये बता दें मुझे लास्ट में कि आपको लगता है कि आज का जदीद दौर है, अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है कोई मिसाइल फेंकता है, हम कैसे हाथों से रोकेंगे। तो शोएब जी जो चचा का जज्बा है ना, तो भारत जब मिसाइल मारेगा तो मिसाइल के सामने जज्बा लेके खड़े हो जाएंगे चचा, और मिसाइल आएगी और चचा का जज्बा देख के यू टर्न मार के चली जाएगी, ऐसे रोकेंगे ये मिसाइलों। हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो तो इतना कमज़ोर भी नहीं है, इंशाल्लाह हमारे फौज भी बहादुर है और हमने भी इतना टेक्नोलॉजी बनाया है कि इंशाल्लाह जो है ना हम वो उसको करके भी दिखाए, उसके दो तैयार है ऊपर जो है ना मार के गिराए। और दूसरा बात ये है कि वो तो हमारा फौज करेंगे और हम अपने फौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा होके जितना हमसे हो सके हम जो है ना मरहम पट्टी करेंगे, हम पानी पहुँचाएंगे, हम राशन पहुँचाएंगे, जितना हमसे खातों से और पाँव से और जिस्म से होते वो भी हम करेंगे। जहालत के नदी नाले छोड़ो, इसने तो पूरे के पूरे समंदर पार कर दिए भैया, आज तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। ये चचा मदरसे में मेरिट में आया था और इसको फर्स्ट रैंक मिली थी 10 लाख बच्चों के अंदर, सबसे ऊपर अगर कोई मदरसे का सबसे मेघावी कोई छात्र था तो ये चचा ही था। अब इससे ज़्यादा बोलने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, आप लोगों को क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए। आपका भाई आपके लिए पाक मेरे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आपको एक काम और करना, बस वीडियो को एक शेयर करना है।
इतना सा काम है कर देना।